जय माता दी ऑल एंड इफ यूर आर सी एस ईच पास आउट स्टूडेंट तो इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और पांच छह मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा जो आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर अगर आप cs ईच क्वालिफाई हो चुके हैं और सी एस एग्जीक्यूटिव में एंटर हो चुके हैं तो आईसीएसआई ने अपने खुद के न्यू सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है और वो क्या बोला है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है आईसीएस एडवाइस दे रहा है आईसीएस रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपको प्रायोरिटी देनी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वन को पहले और वो क्यों देनी है आईसीएसआई ने उसके दो तीन रीजन बताए हैं और ये आ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एनरोल्ड हैं जो 2023 से लेकर होगा तो अगर आप इस ड्यूरेशन में, कभी भी वो सी, इस पास करके प्रोग्राम में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।, का, का है हर पांच साल के बाद चेंज इन टूज राइट नो आई इज एडवाइजिंग ग्रुप वन को प्रायोरिटी दीजिए और क्यों दीजिए उसका कारण क्या है रीजन क्या है आईसीएसआई कहता है नंबर वन रीजन नंबर वन ग्रुप वन को ईजी रखा गया है ईज ऑफ लर्निंग को देखते हुए ईजी रखा गया है एज कंपेयर टू ग्रुप टू नंबर टू ग्रुप वन को जब पढ़ाया जा रहा है तो ग्रुप वन के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स विल बिकम बेस फॉर ग्रुप टू That is the reason number two given by द And number three, group one के अंदर वो theoretical papers, legal papers और uh, numerical papers, उन सबका practical papers, उन सबका एक balance maintain किया जा रहा है तो आई खुद अपने syllabus में ही लिख रहा है क्या लिख रहा है कि group वन के अंदर कुछ खास ध्यान रखा गया है Grouping of papers करते समय पहला ध्यान क्या रखा गया है Ease ऑफ लर्निंग का ध्यान रखा गया है कि ग्रुप वन में ईज ऑफ लर्निंग बना रहे और उसके साथ ग्रुप वन में बैलेंसिंग ऑफ थियोर लीगल एंड प्रैक्टिकल पेपर्स इसका बैलेंस बहुत बढ़िया मेंटेन किया गया है फंडामेंटल इन विच विल बी रेलिवेंट एंड विल बिकम बेस फॉर दबसिक्वेंट ग्रुप टू ये आईसीएसआई का रिकमेंडेशन है तो well, ये पहली चीज जो आईसीएसआई खुद ही कह रहा है कि बच्चों सी पास करने के बाद ग्रुप वन पहले करना ग्रुप टू बाद में करना ये हम आपको समझा रहे हैं ये हमारी एडवाइस है कंपलसरी नहीं है कंपलसरी नहीं है एडवाइज है लेकिन एडवाइस बड़ी काम की है और उसके पीछे तीन रीजन बताए हैं तीन कारण बताए हैं कि ग्रुप वन को ईजी रखा गया है एज कंपेयर ग्रुप टू नंबर टू ये आईसीएसआई खुद कह रहा है उसके बाद आईसीएसआई कह रहा है कि हमने एक बैलेंसिंग की है थियरिटिकल लीगल और प्रैक्टिकल पेपर्स की ग्रुप वन में और उसके साथ साथ क्या किया है स्ट्रेंदनिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच विल बी रेलिवेंट आप बनाओगे ग्रुप वन में वो कॉन्सेप्ट यूज होंगे ग्रुप टू में आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए कि आईसीएसआई न्यू सिलेबस आखिर क्या कह रहा है ग्रुप वन में आपके पास अब देखने के लिए चार पेपर हैं दैट इज यूरिंग प्रोडेंस इंटरप्रटेशन जनरल लॉज एक पेपर है कंपनी लॉ जो हमारा मदर लॉ है साथ में लिखना बनता है यहां पर कि ये तो हमारी मदर है आ? ये हमारा मदर लॉ है इन द एस प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरीज के लिए मदर लॉ इन सी एस प्रोफेशन दैट इज कंपनी लॉ तो ये हमारा मदर लॉ है ये हमारा फादर लॉ है जो भी आप इसको <laughs> कहना चाहें मैं तो मदर लॉ बोलता हूँ ये हमारा मदर लॉ है तो अब ये जो मदर लॉ हमें पढ़ाया जा रहा है दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज ऑल ओवर इंडिया इसके साथ सेटिंग ऑफ बिजनेस में भी ये हमारी मासी है अब ये हमारी मासी है इन वट सेंस कि इसके अंदर भी आपको कंपनी लॉ का कुछ पार्ट देखने के लिए मिलेगा इन सिक्सटी मार्क्स जब आप पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ बिजनेस पार्ट है तो उसमें भी कंपनी लॉ का कुछ पार्ट देखने के लिए मिलेगा तो कंपनी लॉ का एक्सटेंशन इसमें भी है कंपनी लॉ एक्सटेंशन इज इन द पेपर ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑल्सो और साथ में कुछ इंडस्ट्रियल लॉस लेबर लॉस भी है फोर्टी मार्क्स जो फैक्ट्री में काम करने वाले कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं कंपनी सेक्रेटरी भी तो फुल टाइम एम्प्लॉजी है तो उन सबके लिए जो लेबर लॉस हैं वो सब कुछ भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके अलावा कंपनी अकाउंटिंग का जो काम होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ज़्यादा है फाइनेशियल मैनेजमेंट के बारे में कम है और मार्क्स वेटेज तो सिक्सटी फॉर्टी है लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से अंदर जाकर देखते हैं तो एक्चुअली सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट मार्क्स के आसपास कॉरपोरेट अकाउंटिंग है थर्टी फाइव मार्क्स के आसपास थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स के आसपास फाइनेशियलियलियलियलिय मैनेजमेंट रह जाता है सो वल से अभी कहानी यह है कि आईसीएसआई चीजें अच्छे से पढ़ लो आपका बेस तैयार हो जाए आपका एक लीगल ज्योरिस्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज का बेस तैयार हो जाए आपको लॉ पढ़ने की समझ थोड़ी थोड़ी आ जाए ज्यूरिस्पूडेंट्स इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज में आपको लॉज को पढ़ने की समझ आ जाए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू का चैप्टर है आपको समझ में आए कि जब लॉ पढ़ा जाता है तो उसके स्किल्स क्या होते हैं इंटरप्रिटेशन स्किल्स क्या होते हैं वो भी सीखो और उसके अलावा कुछ और एड ऑन चीज़ें तो है हैं। और हमारा मदर लॉ जो कंपनी लॉ है वो पढ़ो और उसके साथ जो मासी है मतलब कंपनी लॉ की एक्सटेंशन है एस यू बी का पेपर वो पढ़ो और जो कंपनी में अकाउंटिंग के काम हो रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के काम वो भी पढ़ो स्कूल में भी किया था वो थोड़ा सा एक एड ऑन उसमें मिल रहा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो थोड़ा बहुत ऐड ऑन है ही देन दे से दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप टू की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ तो वो हिंदुस्तान में सिर्फ उन कंपनीज़ के लिए है जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लिए है और लिस्टेड uh, कंपनीज कितनी है इंडिया में सर so, ये तो हमें नहीं पता तो अब वो डेटा भी आपको बता देता हूं अगर मैं कह रहा हूं ऑल ओवर इंडिया आज की तारीख में चौदह लाख कंपनीज हैं चौदह लाख से ज्यादा हैं खैर ऑल ओवर इंडिया तो उसमें से सिर्फ टेन थाउजेंड लिस्टेड कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं वो टेन थाउजेंड कंपनीज हैं तो आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले बेस लॉ पढ़ लो जो चौदह लाख कंपनीज को सबको एप्लीकेबल है और ये जो बेस है ये उन कंपनीज को भी एप्लीकेबल है और उन टेन थाउजेंड कंपनीज के लिए जो एड ऑन आपने पढ़ना है सिक्योरिटी लॉज में स्टॉक मार्केट रेगुलेशन को लेकर सिक्योरिटी रेगुलेशन को लेकर सैबी रेगुलशन को लेकर जो एड ऑन पढ़ना है वो बाद का काम है पहले आप यहाँ पर अपना बेस बना लो विल बी रेलिवेंट फॉर Your group too, later on. और ऐसी इकोनॉमिक कॉमर्शियल लॉज में जब आप चले जाओगे तो बड़ी बड़ी चीजें एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विच इज अग थिंग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें आप पढ़ रहे हो तो वो सारे काम आपको करने वो बाद में कर लेना ग्रुप टू में बाद में करना लेकिन पहले आप अपना बेस तो बना लो और बेस क्यों बोल रहा हूं यहां पर जो आप पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप पढ़ रहे हो शेयर कैपिटल के बारे में और शेयर कैपिटल की लीगल रिक्वायरमेंट्स आई एम नॉट टॉक द अकाउंटिंग थिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मीटिंग्स बोर्ड मीटिंग्स और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ रहे हो द लीगल कंप्लाइंस जो सारी कंपनीज के लिए हैं लिस्टेड कंपनीज कंपनीज अनलिस्टेड सबके लिए हैं पहले वो तो पढ़ लो और उसके बाद फिर जो एड ऑन लीगल कंप्लाइंस हैं एड ऑन लीगल फॉर द लिस्ट लिस्टेड वो पहले बाद में पढ़ना तो अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि पहले क्या पढ़ना चाहिए मदर लॉ में हमारे मदर लॉ में हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जो लिस्टेड कंपनीज के लिए भी है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी है और सिक्योरिटी लॉज में में सेबी रेगुलेशंस क्या पढ़ रहे हैं हैं ऑन लीगल जो लेकिन पहले बेस तो तैयार हो और वो बेस कहा तैयार हो रहा है जब आप ग्रुप वन पढ़ रहे हो और यही चीज आईसीएस आई दो लाइनों में बता रहा है जो एकदम से ना सबको पढ़कर समझ में नहीं आती तो मुझे लगा मैं समझा दू मेरा तो काम है मेटॉरशिप करना और सही गाइडेंस देना तो वो समझाना मेरा काम है और यही यही मेन इंपॉर्टेंट चीज आज आपको समझानी थी इसके लबा, इसके अलावा अलावा वो आपको नीचे दिखी रहा है वो वो लैंग्वेज रिपीट हो रही है है के डॉक्यूमेंट में ICSI ने खुद लिखा है कि ग्रुप वन पहले करना चाहिए तीन रीजन से पहला रीजन ईज नंबर दो रीजन uh, नंबर दो कि आपका जो थियोर लीगल और प्रैक्टिकल पेपर से उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखा है नंबर थ्री विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्रुप वन में जो नॉलेज गेन करेंगे इट विल बिकम बेस सब्सिक्वेंटली फॉर योर ग्रुप टू ग्रुप की नॉलेज ग्रुप वन के लिए बेस नहीं बनेगी ग्रुप वन की नॉलेज ग्रुप टू के लिए बेस बनेगी मैं रिपीट कर रहा हूं ग्रुप वन की नॉलेज ग्रुप टू के लिए बेस बनेगी ग्रुप टू की नॉलेज ग्रुप वन के लिए बेस नहीं बनेगी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं कहूंगा अगर ग्रुप वन में आपने बेस ठीक बना लिया ए बी सी डी ठीक से पढ़ लिया तो ग्रुप टू में ई एफ जी एच ठीक से पढ़ सकेंगे ई एफ जी एच पहले पढ़कर आएंगे और ए बी सी डी बाद में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अजीब सा हो जाएगा हमने ई एफ जी एच पहले पढ़ ली और हमें ए बी सी डी आती नहीं और जो लोग ग्रुप टू पहले पढ़ते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है जो लोग ग्रुप टू पहले करते हैं कुछ होते हैं ऐसे भी जो अपनी मर्जी से ग्रुप टू पहले करते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है सर हम ई एफ जी एच और एक्स वाई जेड पहले पढ़ रहे हैं ए बी सी डी हमको आता नहीं तो अजीब सी सिचुएशन हो जाती है बात समझ में आ रही है इसके अलावा आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम गिविंग माई व्हाट्सएप नंबर टू यू एंड दैट इज ओनली फॉर टेक्स्ट मैसेजेस ओनली फॉर वॉइस मैसेजेस नॉट फॉर कॉलिंग कॉलिंग के लिए नहीं है सिर्फ वॉइस मैसेज डालिए आई विल विली हैप्पी एक्सप्लेनिंग फर्दर अबाउट द सी कोर्स आपका अगर आपकी कोई क्वेरी है बाकी तो आगे बहुत कुछ आपको बताता रहूंगा और एक रिक्वेस्ट है सारे टीचर्स से इट इज वन रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स बोलकर भी और लिखकर भी वर टीचिंग एनी 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 सब्जेक्ट इन द सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कि बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स की आई सी एस आई खुद रिकमेंड करता है कि सीएस एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वन पहले दो क्योंकि ग्रुप वन की नॉलेज बेस बनेगी ग्रुप टू के लिए ग्रुप टू की नॉलेज बेस नहीं बनेगी ग्रुप वन के लिए तो उल्टा नहीं है एंड दिस इज आईसीएस इट सेल्फ इज रिकमंडिंग दैट अटैम्प द ग्रुप वन फर्स्ट बिफोर अटम्प्टिंग ग्रुप टू बिकॉकज द नॉलेज एक्वाइड इन द ग्रुप वन बिकम्स बेस फॉर द ग्रुप टू एंड द नॉलेज ऑफ ग्रुप टू इज नॉट द बेस फॉर ग्रुप वन तो ये एक रिकमेंडेशन मैं कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को भी है और मैं तो अब रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीचर्स को भी कि वो भी नई जनरेशन को सही गाइडेंस दें और डर लगता है थोड़ा सा कि यूट्यूब के ऊपर मिस गाइडेंस तो बहुत है तो हम चाहते हैं कि बच्चों के पास सही गाइडेंस पहुँचे बस दैट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ओवर हेयर और मैंने जैसे बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज एक्चुअली वेल सेटिंग योर करियर ऑन द राइट पाथ मतलब अगर आपका करियर शुरू से सही रास्ते पे चलेगा अगर शुरू से ही आप रास्ता सही चलोगे तो आप आगे मंजिल सही तरीके से पहुंचोगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर पढोगे ना ग्रुप वन के कॉन्सेप्ट के साथ ग्रुप टू के कॉन्सेप्ट को जब जोड़कर पढ़ोगे तो आपको जो सक्सेस है मतलब आप सक्सेस के रास्ते पे सही चल रहे हो आप उल्टा रिवर्स गेयर में नहीं चल रहे हो आई होप गेटिंग दिस बाकी वेल well, फिर से एक छोटा सा सिर्फ वर्ड ऑफ प्रिकॉशन है कि छोटे छोटे बच्चों को बोलूंगा कि अगर कहीं कोई मिस गाइडेंस मिल रहा है तो मैंने अपना फोन नंबर आपके साथ शेयर किया है प्लीज डू वेल शेयर योर क्वरीज विद मी इन द वॉइस मैसेज इन द टेक्स्ट मैसेज थैंक यू सो मच जय माता दी